भगवान ब्राह्मण रूप भगवान बोले कि आप हमारी बात मान करके सब जगह भगवान भगवान सत्यनारायण की कृपा से आपका सारा दुख वो ब्राह्मण भगवान सब समाधि बताए कि भगवान अंदर अब ब्राह्मण भर जाए अपने मन में सबसे लगा कि ब्राह्मण देवता बड़ा गंभीर चाहिए इच्छा मांगे तो माँ बड़े चाहिए घर का है हम भगवान सत्यनारायण कथा कैसे सुना या सोचते सोचते उस ब्राह्मण ने आप घर नींद नहीं आई वो ब्राह्मण धाता काल उठ गया और शौचाल क्रिया से खाली होती अपने मन में संकल्प करते कि हे सत्यनारायण भगवान आज के दिन जो गांव में जो भिक्षा मिले उसी से सत्यनारायण भगवान कथा ऐसा नगर लेकर जो है चला गया भिक्षा लेकर भगवान की कृपा से चौगुना भिक्षा मिल गया भगवान की कृपा हुए अरे भगवान की मिलन के क्योंकि वो आज गरीब बात तो अमीर हो जाए आज दुखी बात तो सुखी हो जाए कि तो भगवान की खेती है तो ब्राह्मण ऐसा नगर में गया जहाँ धनी लोग रहते थे और चौगुना भिक्षा पड़े और भिक्षा बेच करके पते केले का फल शक्कर घी दूध दही गेहूं का आटा सब बाजार से मिले और आस पास के लोगों को बुलाए थे सत्यनारायण भगवान का विश्व कथा सुनिए और कथा सुनकर के ब्राह्मण हर पुनवासी पुनवासी कथा सुनेगा बारह पुनवासी के बाद फल से और पुण्य से बचे जब तक संसार में रहा तब तक सुख को भोग किया और अंत में वैकुंठ लोक को चला गया यस्मि कस्मिन् दिने मतो भक्ति सदासनं हितान् सत्यनारायणं जन्मनिजचैवनिसामुखे नरिपद्यं निजाः कामविदिनिर्दिप्रयाः एतन्ति परमानुमति निस्तारवर्णे कहो अब जिसके घर में कभी यज्ञ नहीं होता जिसके घर में कभी पूजा पाठ नहीं होता जे कहो कथा नहीं सुने जे हनुमान जी के कहो दर्शन नहीं करे जे भगवान सूर्य भगवान के त्रोता जल नहीं चढ़ाए जे कहो मंदिर में या गंगा स्नान नहीं करे भगवान की कृपा से उसका परिवार दुखमय पड़ता है उसका परिवार दुखी से दुखी रहता है उसके परिवार में कोई सुखाने वाला देखिए आप कुछ ना लेकर के आए हैं ना कुछ लेकर के गए आपके संगे जाएगी भक्ति न कुछ लेकर है ना कुछ लेकर जाए जाए केवल भक्ति जीवन करेगा और कुछ जाए वाला तो भगवान की कृपा से अपने घर पूजा पाठ करा